किसी सोसाइटी वाले ने या सोसाइटी के पास किसी ने मारा और 50 रुपए की बेल में वो आदमी को छोड़ भी दिया। हाफूस पायरी पायरी अपन लेंगे आज हाफूस। तो दोस्तों हम लेके आ गए हैं मुंबई का फेमस जैन दुग्धालय का हाफूस आमरस। कंप्लीट हो गए अपने 30 व्लॉग आज। देखो ना रसीले मैंगो हाफूस आम का इतना टेस्टी आमरस दिख रहा है और ये सोना के हाथों की पूरी भाजी। ओ माय गॉड सच अ ग्रेट फूड। पूरा पानी आ रहा है मुंह में। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर और रोज कुछ भूख लगती है सुबह। मैंने सोचा चलो आज नूडल्स खाते हैं। मुंबई में 24 आवर्स मेडिकल चालू रहते हैं तो जब मैगी लेने गया ना तो स्पाइसी मैगी दिखा, स्पाइसी गार्लिक मैगी, स्पाइसी मंचूरियन मैगी। तो मैंने सोना को फोन किया कि क्या लेके आऊँ। सोना बोले स्पाइसी गार्लिक मैगी। तो मैं लेके आया हूँ स्पाइसी गार्लिक मैगी एंड ट्रस्ट मी एक बाइट खाया हूँ इट्स वेरी स्पाइसी। जो स्पाइसी नूडल्स चैलेंज किए थे ना अपन ने सुना वो बेकार है, भी स्पाइसी कोरियन नूडल से भी अच्छा है। गाइस नहीं ट्राई किया तो प्लीज जरूर करना। मैंने मसाला चाट के देख लिया, बहुत टेस्टी है सुना, बहुत टेस्टी है। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जिंगार्ड गर्ल ब्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे। मैं तो एकदम 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 ही ज्यादा मस्त हूँ। सुबह सुबह आप लोगों ने देखा अराउंड 5 बजे थे शायद हम मैगी खा रहे थे। क्या मजेदार मैगी थी यार, बहुत मजा आया। अगर ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करना। कुछ ना स्पाइसी गार्लिक ऐसे करके कुछ मैगी थी, एक बार ट्राई करना। जिसको तीखा पसंद है ना वही ट्राई करना। एंड दूसरी चीज उसमें मिर्ची, हरी मिर्च मत डालना जैसे मैंने डाल दी थी, बट ठीक है इतना कुछ ऐसा तीखा लगा नहीं। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे एज यूजुअल नाश्ता बनाने के लिए। ऑलरेडी बहुत तीखा था। ये देखो अम्मू को, आज अम्मू घर से काम करेगा, मतलब वर्क फ्रॉम होम है। सैटरडे संडे अम्मू को वर्क फ्रॉम होम रहता है और वीकेंड में मतलब वीकडे में फिर कभी कभी 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, अदरवाइज सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है। मतलब 4 दिन इसको अपने सर पे बिठाना पड़ता है मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट है तो सह लेती हूँ कभी कभी मैं। यस योर अ जोकर। बाय तो बाय। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, नहीं बताऊंगी, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ दोस्तों। उपमा। चुप करो। नहीं दोस्तों उपमा नहीं बना रही हूँ मैं, उपिट बना रही हूँ मैं। आज हम ना कुछ मजेदार वाला ट्राई करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ एंड काफी टाइम से सोच रही थी कब करेंगे। तो फाइनली आज करेंगे। आई जस्ट होप कि अम्मू जल्दी से अपना सब निपटा ले, क्योंकि मैं तो ब्रेकफास्ट फटाक से बना लूँगी फिर जाके हम लेके आएंगे। नहीं तो ये भाई साहब का फिर काम स्टार्ट हो जाता है, फिर इनका अलग ही एटीट्यूड रहता है। गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि ठंडा पानी पीने में भी एकदम मजा आ जा रहा है। ले जान पी ले ठंडा पानी, फिर गर्म हो जाएगा वो। पी लो भर के तो मैं ही रखती हूँ, तुम तो एक बॉटल भी भर के नहीं रखते हो। यार हर चीज में तेरे को प्रॉब्लम है मेरे से, तकलीफ क्या है तेरी? मैं तकलीफ हो जान। गाइस इसकी तकलीफ को दूर रखते हुए वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिंगार्ड गर्ल फैमिली व्लॉग्स। और आज हम इस वीडियो में बहुत जबरदस्त चीज ट्राई करने वाले हैं और वो जबरदस्त चीज कुछ नहीं है गाइस। आम तो अभी ले नहीं सकते, बहुत महंगे चल रहे हैं, पर आम रस और पूड़ी खाने का जो मजा होता है वो अलग होता है। तो जैन दुग्धालय का आमरस बहुत फेमस है, तो आज मैं देखने वाला हूँ ऑनलाइन कहीं पर मिलता है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। वो आधा किलो वाला पैकेट आता है ना 100-150 रुपए का, वो या तो फिर जाके लोकली लेके आऊंगा। बट आज हम आमरस खा के रहेंगे यार, सीजन शुरू हो गया आम का और अभी तक आम नहीं खाया है, तो आज हम आमरस ट्राई करेंगे। और वैसे जैन दुग्धालय का बहुत फेमस है, बट जैन दुग्धालय के नाम पे ना बहुत आने लगे यार, तो अपन ट्राई करेंगे ओरिजिनल वाला मिले, नहीं मिला तो देखते हैं क्या मिलता है और कैसा है वो, ताकि आप लोग भी ट्राई कर सको। ठीक है आमरस खाऊंगा, आमरस खाऊंगा। बनाएंगे दोस्तों आमरस के साथ में मस्त गर्मा गर्म पूरी, और मैंने सोचा है कि सूखा आलू की भाजी बनाऊंगी। वाव वाव मास्टर शेफ। दोस्तों गर्मी बहुत है, सब्जा पानी में डालो और पियो। ठीक है हाँ, सब्जा डालो अपना पानी ध्यान रखो, मस्त अपना ध्यान रखो। ये क्या है टैंक पियो, स्कूल की टीचर ने बोला है हेयर कट करा के आना। कौन सी है तुम्हारी स्कूल की टीचर, इधर आ। मेरी स्कूल टीचर का नाम है रेखा मिस। देखो
अपनी दोनों की स्कूल सेम थी, बड़ा आया मेरी स्कूल। तो फिर टीचर का नाम क्यों पूछा, भूल गई ना? मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से मुंबई में पढ़ने के लिए आ गई थी। अरे हाँ, और वो मिस जूनियर सीनियर केजी वाली। हाँ, तो मेरा जो सीनियर केजी वाली मिस याद है, मेरा जूनियर सीनियर दोस्तों कर्नाटका में हुआ था। उसके बाद मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से मुंबई यहाँ आ गई एक और भीड़ बढ़ाने। भीड़ बढ़ाने नहीं बेटा, मैं पैदा भी यही हुई हूँ और यहाँ की इकोनॉमी को डेवलप, यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने आई हो, यहाँ कमा रही हो, यहाँ खा रही हो, यहाँ टैक्सेस भर रही हो। सही बात है, जय महाराष्ट्र। मेरे मम्मी पापा दोस्तों यहीं पे मुंबई से ही है, मुंबई में ही रहते थे, लेकिन वो चले गए गाँव क्योंकि पापा का वहाँ पे काम था। जो मेरा छोटा सा बिल्डर भी मुंबई का है, ये थोड़ा बचा हुआ फाउंडेशन सोच रहे ऐसे उल्टा करके रख के निकाल लो। गरीबी गरीबी। कल फिशेस तो चली गई, उसके नीचे जो ये हमने मेहनत करके लाया था गाड़ी पे बैठे बैठे नीचे फेंकने जाएगा। तो हम जा रहे हैं आम रस लेने के लिए। हाफूस पायरी पायरी अपन लेंगे आज हाफूस। चेन तो डाल आई 200 रुपये का आधा किलो, 200 रुपये आधा किलो, बाद में सस्ता कर देते, अभी स्टार्टिंग है इसलिए महंगा है क्या। तो दोस्तों हम लेके आ गए हैं मुंबई का फेमस जैन दुग्धालय का हाफूस आम रस, और इसमें तीन आता है, हाफूस पायरी जो मिक्स रहता है वो थोड़ा सस्ता रहता है, और पायरी तो एकदम सस्ता रहता है, आधा किलो 80-90 रुपए का। ये 200 रुपए का आधा किलो आया, प्योर हाफूस का है, और जैन दुग्धालय तो फेमस है आप सबको पता होगा। लास्ट टाइम मम्मी आई थी तभी खाए थे हम लोग, लास्ट ईयर मेरी सासू माँ के साथ खाया था मैं, आज मेरी डबल सासू माँ के साथ खाऊंगा मैं। देखा मारती रहती है मेरे को गाइस, थैली थी दोस्तों। गाइस एज अ व्लॉगर मतलब हम लोग कैसा है, बहुत से व्लॉगर्स को फॉलो करते हैं जिसमें से एक संभावना सेठ है, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट सब लोग जानते होंगे, शी इज़ वेरी फेमस। अभी नाश्ता करते करते ना यार आज का उनका वीडियो देखा, इट्स अबाउट जय जो वो डॉग था जिसको किसी सोसाइटी वाले ने या सोसाइटी के पास किसी ने मारा और 50 रुपये की बेल में वो आदमी को छोड़ भी दिया, क्योंकि बस एक कुत्ता तो था उसमें, जो वो डॉग को फीड करती थी, जो डॉग का केयर करती थी, डॉग्स को बचपन से पाला था। उस लड़की ने बहुत अच्छी बात बोली यार, वो शिवानी ने, कि लोग उसको बोलते हैं कि इतना क्या तुम ये ड्रामा कर रहे हो कि कुत्ता ही तो है, कुत्ता ही तो मारा है, बट उसने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा सही क्वेश्चन है, जिस इंसान ने उस कुत्ते को इतने बेरहमी से मार दिया, मतलब किसी की जान ले ली है, क्या उस इंसान के साथ आप अपने बच्चे को रखोगे, आप उस इंसान को उस सोसाइटी में रखोगे जो मतलब इतना रेज में आके इतना वायलेंट हो सकता है कि कुत्ते की जान ले सकता है, वो इंसान आपके बच्चों के साथ आपके साथ भी तो कुछ कर सकता है अगर वो इतना मेंटली अनस्टेबल है तो। आई सीरियसली फेल्ट पैथेटिक यार, बहुत बुरा लगा। जस्टिस फॉर जय को भी हमारे बिल्डिंग में सोसाइटी में बोला गया है कि वो जो कैट आती है उसको यहाँ खाना मत दो, हम भी एनिमल लवर हैं लेकिन खाना मत दो, उनकी आदत हो जाती है आके पॉटी सूसू करके जाते हैं। तो ये जो सब मेंटालिटी है ना, ये सब चेंज करो। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो लोग फीड करते हैं उनको हेल्प करो, आप अगर फीड नहीं कर सकते या एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करो यार। दोस्तों सिंस अपनी फिशेस चली गई है तो अपन ये वाला जो अपना टेबल है वो अंदर डाल रहे हैं, कभी जब अयो किरकिर हो गया, कभी जब काम आएगा ना तब निकालेंगे, इसलिए बस यहीं पर रख रहे हैं क्योंकि काम आते रहता है। हाँ लगते रहता है ये टेबल और अंदर। अब मैं ये सब क्लीन करके ये वाला टेबल जो है हम यहाँ पे खसका लूँ, नहीं क्लीन कर लूँ, क्लीन करते फिर कर दूंगी, थोड़ा बहुत कर ले और फिर मेरे हाथ में दे दे, मैं अंदर लेके जाके फेंक दूंगी बस। चल ये लेना पड़ेगा अपने को यार वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर लेते हैं। अरे छोटा वाला भी आता है वैक्यूम क्लीनर जान, छोटा वाला वैक्यूम क्लीनर भी आता है जिससे हम जो हम मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सके, जिससे हम अभी एसी में वो किया हो तो और अंदर क्या रहेगा, हम मिडिल क्लास लोग एक कपड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, हंसेंगे लोग बोलेंगे मिडिल क्लास बोल के एसी में रह रहे हैं। नहीं दोस्तों ये एसी ना बहुत ऑफर चल रही थी, ऑफर चल रही थी एंड ऑफ कोर्स जुगाड़ भी है, विजय सेल्स में 24,000 में 1 टन एसी मिल रही थी 2 साल पहले, तब बहुत जुगाड़ करके लिया था मेरी सोनू ने। ये जो म्याओ है यही है जुगाड़ करने वाला। हाँ इसी को हम बेचते हैं, 500 की नोट दिखाते हैं, बोलते हैं ये जहाँ मिले लेके आता है। म्याओ के बर्थडे का चिपका है वो, शाबाश। म्याओ के बर्थडे का है ना? नहीं शायद, पता नहीं म्याओ का बर्थडे नहीं,
ओ शिट, मार्च में ही तो मियाओ को लाया था। हाँ, उसका बर्थडे चले भी गया इस साल का। देखा, अभी कोई इंसान होता तो भूलती तुम, मियाओ का बर्थडे भूल गए। वैसे भूल के 4-5 दिन हो गए, 23 मार्च को अपन उसका बर्थडे मनाते हैं। शेम ऑन यू मम्मा, शेम ऑन यू। वैसे दोस्तों, हम उसका बर्थडे पूरे मार्च में मनाते हैं, हमने कोई ऐसा डेट डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि शोना को भी डेट याद नहीं है, बस इतना पता है कि मार्च में लेके आए थे। आज ही मना देते हैं, आज 30। आज हम आमरस पूरी, हाँ आज हम आमरस पूरी खा रहे हैं म्याओ के बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे बाबू, 13 साल का हो गया दोस्तों। चलो मैं काम पे बैठ रहा हूँ, तुम देख लो आप। ओके, मैं अच्छा खासा अपना झाड़ू मार रही हूँ, ठीक है। इस आदमी को क्या प्रॉब्लम है, मैं झाड़ू मारू, मैं अपने हिसाब से काम करूंगी ना, तो बोल जबरदस्ती बोल रहा है ये चेयर को वहां पे रख देना। अरे अब भी वहां से क्लीन किया है, रखूंगी ना, थोड़ा मतलब रुकना नहीं है भाई साहब को। अरे कितनी चीजें तुमको नहीं बताना ऐसे ही छोड़। अरे चुप कर, कुछ भी मतलब जबरदस्ती, मैं क्या पागल हूँ? अब मुझे यहाँ का अगर क्लीन करना है तो मैं ये चेयर को हटा के वहां रखूंगी ना, नहीं भी रखूंगी, इसको आगे लाऊंगी और क्लीन करूंगी ना। ये क्या है तेरे को, हर चीज में क्या अपना काम करना है यार, चुपचाप। यू आर टू पागल, फनी चुड़ैल साला। चुड़ैल तो मैं होता रहा यार, म्याओ भी चुड़ैल था, तू भी चुड़ैल है। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों, पता नहीं ये डेली व्लॉग्स के चक्कर में ना मैंने मेरे बच्चे का बर्थडे भूल गई यार, जबकि लोग इधर पे टॉपिक ढूंढते कि हम क्या टॉपिक ऐसे निकाले कि अपने घर वालों को बीच बीच में ला के वीडियोस बनाए। यहाँ पे मेरा बच्चे का बर्थडे भूल गए बे मैं, ये तो हर साल याद रहता है। गाइस वैसे शोना को कांग्रेचुलेशन करो, आज उसने 30वां व्लॉग डाला है, मतलब 30 डेज नॉनस्टॉप 30 व्लॉग्स फर्स्ट टाइम ऑन हर चैनल विद ऑल द वर्क शी डू। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गए अपने 30 व्लॉग आज, और आज 31st है, ये जो बना रही हो ये 31st है। बस दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखो, प्यार बनाए रखो, प्यार बनाए रखिए गाइस, प्यार बनाए रखिए। हम बस ऐसे वीडियोस बनाते जाएंगे, ठीक है। सब लोग मियाओ को विश कर देना हैप्पी बर्थडे, बर्थडे टू चुड़ैल, हैप्पी बर्थडे वाइट चुड़ैल। ये मेरी सफेद चुड़ैल है दोस्तों, और ये मेरी काली चुड़ैल। ये टेबल क्लीन हो चुका है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वैसे ये टेबल और ये दो चीज, ये हमने मीशो से मंगाया था बहुत पहले, मस्त एकदम चकाचक लग रहा है, वाइट की बात ही अलग है यार। और यहाँ पे अम्मो हमारे ही ब्लॉग्स देख रहा था शायद, या गलती से लग गए थे। मैं जा रही हूँ अपना शॉर्ट्स एडिट करने, उसके बाद में मेरे को बहुत काम है दोस्तों किचन में, मिलती हूँ। दोस्तों मैंने सारा काम ख़त्म किया अपना, और अब मैं किचन में आ गई हूँ अपने आलू की भाजी और पूरी बनाने के लिए। पूरी तो वैसे आप लोगों को पता है नॉर्मली कैसे बनती है, तो मैं क्या ही दिखाऊं, पर थोड़ी बहुत दिखा दूंगी। बाकी आलू की भाजी बना रही हूँ मैं, एकदम सूखी चटपटी तीखी पूरी के साथ खाने के लिए, तो वो मैं बना रही हूँ, वो आप लोग देख लो। अगर इनकी अच्छी लगती है तो आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गैस गर्म हो चुका है, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, एंड अब इसमें क्या जाएगा, एनी गेसेस? मेरा फेवरेट कड़ी पत्ता। मैंने अदरक और लहसुन पीस लिया था, वो जो मिर्च मिलते हैं उनसे कुछ इतना स्वाद नहीं आता है, इसकी बात ही अलग होती है। रॉ एकदम पीस के डालो, खाने में भी मज़ा आता है। अब इसमें जाएगी राय, थोड़ा सा जीरा, लहसुन जो है पक चुका है तो हल्दी डाल दी मैंने, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, तीखा चाहिए तो भरपूर डालो, थोड़ा सा गरम मसाला। अब जाएगा आलू, मेरे अम्मू का फेवरेट डायलॉग, नमक स्वाद अनुसार। इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा खट्टा हो इसलिए ना, चिकन मसाला थोड़ा सा, बस आप मिला लो और इसको ढक के रख दो। दोस्तों क्या ही डेंजर गर्मी है यार, हालत ख़राब हो गई, सारा पसीना पसीना हो गया। ये देखो पूरी मैंने इतनी सारी बेल ली है, एंड अपनी भाजी भी रेडी हो चुकी है, तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, फटाफट पूरियाँ तल लेती हूँ। इस बीच अम्मू की फरमाइश, तो रोज़ वाटर चाहिए सब्जा डाल के, तो बना देती हूँ। Thank you.
तुमने नहीं पिया बाबू? मैंने पी लिया एक घूट। अच्छा बाबू, दोस्तों ये फ्रीजर में रखा था इसलिए मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया है ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे मेरी बढ़िया सी पूरी जो है तैयार हो चुकी है एंड यहाँ पे भाजी अपनी आलू वाली कुछ ऐसे दिख रही है, इस पे मस्त कोरिएंडर डाल दो। दोस्तों हाफूस आम का आमरस फ्रॉम जैन दुग्धालय, सोना की करारी मस्त टेस्टी पूरी और मस्त भाजी, देख के ही ना एकदम मन कर रहा है कि बस खा लो फटाफट। तो चलो खाते हैं सोना। चलो खाते, कितना मेहनत किया मेरा बच्चा, बहुत थक गई। कितना टेस्टी लग रहा है भाजी और ये सब देखो ना। चलो खाते हैं, मस्त प्लेट में डालते हैं, मेरा ब्रेक भी खत्म हो जाएगा आज। गाइस क्या प्लेट लग रही है देखो, कितनी टेस्टी यम्मी प्लेट लग रही है गाइस, वाओ। सुना तुम भी ले लो। यस। एकदम देखो ना रसीले मैंगो हाफूज आम का इतना टेस्टी आमरस दिख रहा है और ये सोना के हाथों की पूरी भाजी, ओ माय गॉड सच अ ग्रेट फूड। पूरा पानी आ रहा है मुंह में। तुमको? मेरे को भी। तुमने तो इतना मेहनत किया है फिर भी आता होगा ना। हाँ, पानी तो ऑब्वियसली। Looking so young guys. मैं आओ जरा कैमरा पकड़ थंबनेल लेना यार। सड़ा हुआ के बैठा है मुंह सड़ा के बैठा है, इसको खुजली चाहिए। मेरे पास आ रहा है बार बार कि खुजली कर, काहे बुलाए साता। गाइस गाइस जैन दुग्धालय का आमरस सच में बहुत टेस्टी होता है, मेरे को लास्ट ईयर पता चला था एंड ये हम खा रहे हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, लग रहा है रियल है। साल का पहला आम तो ना सही, आम रस तो हो गया गाइस, मजा आ गया। अब खाते हैं फटाफट। सबको आमरस मुबारक, आप लोग भी लाके खाओ यार। अब सोना की भाजी, सोना की भाजी है गाइस और मस्त पूड़ी। ओहो बाबू सच में बहुत टेस्टी बनी है भाजी, मस्त बनी है भाजी है, सच में बहुत अच्छी बनी है। ट्राई करना, बहुत अच्छी। जब सोना बना रही थी तो मैं बोला बॉईल करके नहीं बना रही हो, तो मैं सैड हो गया था। आप बनाइए गाइस। दोस्तों बिल्कुल भी पानी मत डालना तभी मस्त बनेगी, एकदम सच बोलो बहुत टेस्टी बनी है, मतलब आज के खाने का मजा आ गया। भाजी से खाए आमरस से? हाँ आमरस तो पी लूंगा मैं। देखो टी शर्ट पे बिक रहा है, पैंट पे बिक रहा है, टी शर्ट पे। कैसा खाती हो यार बच्चे लोग की तरह? हाँ मैं बच्ची हूँ, ठीक है। अच्छा एक एक गाइस इसके कटोरी में से बस एक चम्मच खाया, क्योंकि जब मैं सोना के हाथ से खाता हूं ना या उसके प्लेट से कुछ तो मेरा पेट भर जाता है। नहीं तो तुम सोचो ना, इधर गाइस इतना आमरस रखा है, देखो इतना आमरस रखा है, मैं इसमें से लेके नहीं खाता क्या जान, तुम्हारे कटोरी से इसलिए लेता हूं मेरा पेट भर जाता है। तो वो मैंने लिया ना तो इसका ये आमरस गिरा कपड़ों पे, तो मुझे बोल रहे पता नहीं कौन नजर लगा देता है देखो। हाँ, और खुद बच्चों जैसा खाती है उसका क्या, नजर लगा दिया है मेरे को। चल 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 चल, अब उठू कैसे? ऐसे अच्छा खासा बिस्तर पे खाते थे लोग भी ना। नहीं खाते नहीं खाते बोलते हाँ नहीं तो। अच्छी सीख दे रहे हैं तुमको, सीख लो, मेरी तो कभी सुनते हो नहीं तुम। तुम्हारी हमेशा सुनूंगा ना, बोलो क्या बोल रहे हो। दोस्तों टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:10 हो रहा है। मेरा सारा काम खत्म हुआ है एंड अब मैं बैठूंगी एडिट के लिए, मतलब मुझे 3 तो बज ही जाएंगे शायद से, या पता नहीं जल्दी भी हो सकता है अगर रेंडर वगैरह सब कुछ जल्दी हुआ तो, बट थंबनेल ये वो करने में उतना टाइम हो ही जाता है, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना, अगर कमेंट नहीं कर पाते हो तो प्लीज एटलीस्ट दिल विल दे दिया करो यार, ठीक है। ज्यादा काम नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ दिल देने के लिए लगा रही हूँ, दिल दे दो ठीक है। हाँ बस हार्ट दे दो, थम्स अप दे दो, पता तो चले कौन कौन वीडियो देख रहा है हमारा। हमको भी फिर याद आएगा कौन कौन वीडियो देखता है, समझे। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। बाय बाय, हैप्पी बर्थडे मियाओ।